तो हमारी मेगा कवरेज काशी से लगातार जारी है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच जाएंगे। आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब गाड़ी पूरी तरीके से तैयार हो गई है, नारी शक्ति रेडी हो गई है और अगले कई घंटों तक जनता के बीच रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। लगभग 5 किलोमीटर का ये रोड शो है और कल नॉमिनेशन होना है, तो चलिए रोड शो से लेकर नामांकन तक क्या क्या खास रहने वाला है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 5 किलोमीटर लंबा होगा और रोड शो काशी विश्वनाथ मंदिर पर खत्म हो जाएगा। रोड शो में लघु भारत, उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। रोड शो की पूरी दूरी तय करने में लगभग 3.5 घंटे का वक्त लगने वाला है। 300 से 400 मीटर पर एक बीट बनाई गई है और 5 किलोमीटर के रास्ते में कुल 11 बीट बनाई गई है। हर बीट का इंचार्ज एक एक जनप्रतिनिधि है, तो हर एक जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से यहां पर दे रहे हैं। नामांकन की पूरी तैयारी भव्य तरीके से कर ली गई है। रोड शो को लेकर भी बेहद उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा है बनारस का, इसको लेकर काशी के लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर बेताब है और बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। तो बस कुछ पल का और इंतजार, प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत होने वाली है। अंतिम चरण में तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री के रोड शो में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और साथ ही साथ जब नॉमिनेशन करेंगे प्रधानमंत्री तो उस वक्त 20 मंत्री भी मौजूद होंगे। चलिए अब आपको काशी के विकास की बात कर लेते हैं। दुनिया जानती है कि किस तरह 10 सालों में काशी वालों ने विकास की गंगा बहती देखी है। चाहे अगर घाटों की बात करें, घाटों का सौंदर्यीकरण भी देखा होगा आपने, वही अगर रोड शो की स्पेशली बात करें तो तैयारी तो पूरी है, लेकिन बनारस की खूबसूरती की हम यहाँ पर बात करें, बनारस की घाट काफी खूबसूरत हैं। अगर सड़कों की बात करें, सड़कों के सौंदर्यीकरण की बात करें, लोगों के विकास की बात करें, शिक्षा रोजगार हर स्तर पर कार्य किया गया है। देखिए कौन कौन से काम हुए वाराणसी में विकास के, 34 नई सड़कें बनी हैं। जो जो काम है यहाँ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बनारस में पिछले 10 सालों में क्या क्या बदला है। और ये तस्वीर देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं, तो कई बार यहीं से तांबुल भंडार नाम से ये दुकान है रविदास गेट के पास, केशव तांबुल भंडार, यहाँ पर पान की ऐसी दुकान है जहाँ पान खाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और काफी पसंद करते हैं यहाँ के पान को। कई मौके पर वो इस दुकान का पान खा चुके हैं। तो देखिए दुकान के जो मालिक हैं राजेंद्र कुमार चौरसिया, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत भी की है, वो आपको सुनवाते हैं। पान खाते हैं और गिलोरी बना करके उनको मीठा पान गुलकंद वाला उनको दिया जाता है, वो खा करके वो आनंदित होते हैं। अभी तक कितने मौके आपको मिल चुके हैं उनको पान खिलाने? 4-5 मौके पर, जैसे जब जब वो बनारस के जो है आए और बनारस में उनका रहने का जो है मतलब कि नाइट हॉल्ट किए, तो जब यहाँ पर डिनर और भोजन होता है तो उस समय पान का ऑर्डर आता है और पान लगा करके मैं बेचता हूँ 100-150 गिलोरी पान, तो उसमें से वह जो होता है खाते हैं। आज उनका रोड शो है और क्या उम्मीद करते हैं कि आज? तो पल पल की जानकारी न्यूज 18 आपको देता रहेगा। काशी से हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री का बस इंतजार है, प्रधानमंत्री आज शाम रोड शो करेंगे, कल नॉमिनेशन करेंगे, कल ही काल भैरव के दर्शन भी करेंगे और बनारस के लोगों के बीच लगभग 3.5 से 4 घंटे का वक्त आज प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं। रुकेंगे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।